شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه वाल आ रही वी वन तब्यासान इलाम्दीन अम्माबाद अल्लाह त फल वक़रम है कि हम लोग इस दर्स में शरीक हैं और आज जैसे आपके सामने नवान है टॉपिक है मौजू है जो आपने सुना है मशहूर अंसारी सहबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रवी الله عنهما. दोनों के दोनों सहाबा हैं और साहबा में से भी ऐसे सहाबा जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान किया है अल्लाह जब हम तफसील में सुनेंगे तो सारी बात आपके सामने वाज़ह हो जाएगी जाबिर बिन आब्दल्ला الله عنهما, अलंसारी जहाँ तक बाप के तल्लु से है उहद के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियादत में जो ग़ब उहद हुआ उस जंग के मौके पर जाबिर रदी अल्लाह तहु के अब्बा क्या नाम है उनका अब्दल्ला अब्दल्ला रदी अन, बड़ी शौक़ शहादत में निकले और अल्लाह ने उनको शहादत दे दी और अल्लाह के नबी वसल्लम ने जाबिर बिन आबदल्ला रज़ी अल्लाह तन को बड़ा गमगीन देखा तो पूछा कि जाबिर क्या बात है बड़े गमगीन हो तो ज़ाहिर है बाप की शहादत हुई थी अल्लाह के नबी से फ़रमाया कि अल्लाह तुम्हारे बाप से बिलमुशाफहा बात किया है कफा क्या बोला अल्लाह तुम्हारे बाप से क्या किया है बिलमुशाफ़ा बात किया है जैसे हदीफ में बताया क़ुरान की आयत है वला तह सब लदीन रूफ़ी अमवाता लाही अमवाता बलया उनबिम यून इस आयत का सबब नज़ूल इन्हीं के बारे में बताया गया कि ये जाब, जाबिर बिन अब्दल्ला रजियल्ला तु अबल्ला ऱी अल्लाह तु के तल्ल से ये आयत बात आई इसी तरह जाबिर बिन अन्हु की शहादत के ताल्लुक से आपने सुना चालीस साल बाद चालीस जाबिर अन्हु को किसी ने आकर बताया कि मुआविया के, के उमाल वहां खुदाई कर रहे हैं वहां आपके अब्बा की मैत बाहर निकली है कितने साल बाद चालीस साल के बाद तो लोगों ने अब्दुल्ला बिन हराम अल-अंसारी, रदी अल्लाह तब्दुल्ला बिन हराम अल-अंसारी, हरामसारी ऱील्ला तु को लोगों ने देखा कि चालीस साल पहले जैसे वो मदफून हुए थे बिल्कुल वैसे ही थे चालीस साल बाद और हाथ उनका यहाँ कहीं रखा था हाथ जब वहाँ से निकाले तो खून बहने लगा तादा तादा खून बहने लगा ये मुआविया रदी अल्लाह तन के ज़माने की बात थी ये तो थे जाबिर रदी अल्लाह तन के वालिद बिन हराम रजी अल्लाह तह हमारे साथ जाबिर रदी अल्लाह तु के अल्लाह के नबी नबीम के साथ बहुत सारे मौक़ हैं कई मरतबा अल्लाह के नबी नबीम के साथ जाबिर रदी अल्लाह तु के वाक़ पेश आए हैं तो इशा देखेंगे कि कुछ जितना हो सके अहादीत की रोशनी में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ जैसे लिखा गया कि अल्लाह के नबी नबीसम ये गजबे से वापस हो रहे थे उस गजबे का नाम था गजवत वातिर उस गे का नाम क्या था गवत वा और रिका का मतलब आते हैं छेतड़े छेतड़े के मतलब छिंदियाँ बोलते नहीं हमें तो वो ज, वो ज़माने में साहब कराम इतने पैदल चले थे जूतियाँ घिस गई थी पैरों पैर जख्मी हो गए थे तो उन्होंने वहाँ पुराने कपड़े बांध लिए थे पैर महफूज रहे, पैरों का चमड़ा क्या रहे महफूज रहे उस से जब वापस आ रहे थे तो जाबिर रती से अल्लाह के नबी नबीम की गुफ्तु हुई इसी गुफ्तु को यहाँ बयान किया गया है क्या वो गुफ्तु थी इस गुफ्तु से हमें क्या मिलता है अब अगर आप पूछेंगे कि ये जो गुफ्तगु हुई इस गुफ्तु से हमें क्या सबक मिलता है सबक ये मिलता है कि एक शेख को एक आलिम को एक बड़े आदमी को अपने साथ जो लोग उठते बैठते हैं उनकी फ़िक्र करनी चाहिए उनके ताल्लुक़ से क्या करना चाहिए पर्सनल कैसे हैं अच्छे हैं घर में कैसे हैं कम अज़ कम क्या है पूछ लेना चाहिए ऐसा नहीं हो कि उस्ताद खूब खाकर हाजमोला खाए शागिद भूखा रहे क्या करम ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना तो ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा नहीं होना चाहिए इससे यही समझ में आता है कि अल्लाह के वसल्लम कैसे उनकी खबरगिरी करते थे कैसे उनकी जानकारी लेते थे मसाइल पूछते थे कैसे उनके साथ खैर खाही और खैर खाही ऐसे भी नहीं कि आदमी किसी को भिकारी बना के रखे आप इस वाक्य में नोट करेंगे अल्लाह के नबीम ने जाबिर रजी अल्लाह तह का साथ दिया लेकिन उनका जो एहसास है उनकी जो एहसास से बरतरी है उसको डैमेज होने नहीं दिया समझ में आप किसी को आप बार बार भीख देते रहेंगे तो अंदर से वो क्या सोचेगा मैं भिकारी हूँ और वो दयालु हैं वो वो यजमान है और मैं क्या हूँ तो इस वाक्य में आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ वाकया उस वहाँ होने नहीं दिया उस एहसास को होने नहीं दिया व नसीहा और साथ साथ अल्लाह के वसल्लम ने एडवाइस भी किया तो ये सारी बातें हमें जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तन की जिंदगी में मिलते हैं इसीलिए हमने चाहा कि इसको हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हम सब सुने चलिए देखते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तन कहते हैं खर्च तो महारसूल तो जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तन कहते हैं कि मैं अल्लाह के वसल्लम के साथ गजबा जो हुआ उस जगज़मे में मैं निकला आला जब अलीफ मैं जिस ऊँटनी पर था वो ऊँट बड़ा वीक था कमजोर था मैं कमजोर ऊंट पर था परमकफ अला रसूल अल्लाह के नबी नबीम जंग से वापस आए और मेरे जितने फ्रेंड्स थे साथी थे सब लोग तेज तेज जा रहे थे उनकी ऊँट तेजी से भाग रहे थे लेकिन मेरा ऊंट कमजोर था भाग नहीं रहा था वजाल तो तखलफ मैं पीछे रह गया मेरे सारे फ्रेंड्स सामने चले गए रसूलुल्लाह <hattā adarkani rasool Allah> <yellos> यहां तक कि अल्लाह के नबी वसल्लम जो सबसे आखिर में होते थे वो भी मेरे साथ आ गए अल्लाह के नबी वसल्लम ने मुझसे कहा <muchha> <मालक> या जाबिर अल्लाह के नबी वसल्लम क्या पूछ रहे हैं या जाबिर व्हाट हैपेंड मालक जाबिर क्या हो गया है क्या क्या किस्सा क्या बात है अल्लाह के नबी पूछा सारे लोग सामने चले गए और जाबिर पीछे पीछे रह गए अल्लाह के नबी मालक के माने का मा वो माल नहीं मा के माने क्या हो गया है तुम तो? क्या बात है क्या बात है जाबिर या रसूल अल्लाह अबी هذا मैंने क्या कहा या रसूल अल्लाह मेरा जो ऊंट है वो बड़ा सुस्त है बड़ा सुस्त ऊंट है तो उसने मुझे ऐसे कर दिया है तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि ऐसा करो तुम ऊंट को बिठाओ ऊंट को नीचे बिठाओ फानख तो हो मैं उसको नीचे बिठाया वाना और रसूल अल्लाह तुम काल, फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे हाथ में जो आशा है जो छड़ी है ऊंट मारने की मुझे दो या अल्लाह के नबी वसल्लम ने ऐसे कहा कि मेरे लिए किसी दरख्त से कोई छड़ी तोड़ के लाओ तो फिर मैं अल्लाह के नबी वसल्लम को मैंने वो आशा दिया तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने उस उस छड़ी को लिया और लेकर क्या किया फन खसू फन बिहान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊटनी को ऐसे छड़ी से क्या किया तुम्हें गाय करते नहीं गाय बैलों को क्या करे वैसे कर अच्छा क्या हुआ फिर अचानक क्या हुआ कहते हैं तुम मकौल इर्कप फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि अब सवार हो जाओ अब क्या करो ऊटनी पर सवार हो जाओ फराकिब मैं सवार हो गया फ़रज फिर वो कहते हैं फ़खरच والذي بعثه بالحق يواهق ही مواهقة، يسابقها لسرعة. अब ये ऊँटनी ऐसा तेज़ भागने लगी जो ऊँटनी भागती नहीं थी अल्लाह के नबी नबीलम ने उसे कोंचा लगाया था अब वो भागने लगी तो अब उसके बाद हमारी गुफ्तगु शुरू हुई अल्लाह के नबी नबीसलम ने बात करना शुरू किया और बात करके कहा कि जाबिर क्या ये ऊटने मुझे बेचोगे अल्लाह के नबी सल्लम क्या कर रहे हैं ये ऊटने मुझे बेचोगे अ तभी कहा था या जाबिर जाबिर ये उठने मुझे बेचोगे या रसूल बल मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लम मैं तो ये आपको गिफ्ट कर दूँगा। उनको ही मालूम था कि ये कैसा है जाबिरता उन्होंने क्या कहा मैं ये ऊँट क्या कर दूंगा आपको गिफ्ट कर दूंगा कल अला वाला किन बैनी अल्लाह के नबी से फरमाया कि नहीं, नहीं 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 मैं नहीं लेता मुझे बेचो कल अकुल तो फसुमनी है या अल्लाह तो कल कद अखद तो हो भी हम तो मैंने कहा अच्छा ठीक है अल्लाह के नबी से आप मोल लगाइए तो उन्होंने कहते हैं कल काला कद अखत हो बिदिर तो मैं उसको एक दिरहम में लूंगा किसने कहा अल्लाह तो काला कुल بلغ का एक दिरहम दो दिरहम बढ़ाते बढ़ाते उकिया बारह दिरहम वहाँ तक अल्लाह के नबी ले गए बात हो गई ऊँटनी बिक गई कितने पर वो पर अल्लाह के नबी सम ने ले लिया उसके बाद अल्लाह के नबी सम ने कहा हल तजवश बाद तो अल्लाह के नबी सम ने पूछा क्या अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई एक ऊँटनी का एक मसला ख़त्म हो गया बोला कि फिर शादी की बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी से हाँ मैंने शादी कर ली है दूसरा सवाल आया अम्बिकरण औरत से शादी किया या मुतल या बेवा औरत से शादी किया था। था दोनों को बोलते हैं मुतल हो या बेवा हो होदतुलमत या तो ऐसी औरत जो बेवा قال बल <تَيِّبًا> कहते हैं कि नहीं मैंने बेवा औरत से या मुत से मैंने शादी की तो अल्लाह के नबी नबीम ने कहा अरे अगर तुम कुमारी औरत से शादी करते तो वो तुमसे खेलती और तुम उससे खेलते तो ये तीन हदीसों में अलग अलग तीन रिवायत आई या तुम उससे खेलते या तुम हंसते या वो हंसती या तुम उसे काटने के भी अल्फाद हैं कतरने के ऐसे कुछ अल्फाद हैं लेकिन वाइफ हैं कलाकुल तो या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी नबीसलम को उन्होंने जवाब दिया क्यों मैंने कुंवारी औरत से शादी के नहीं की उसका जवाब उन्होंने दिया कहते हैं कि अल्लाह के, के नबीसम उहद के दिन मेरे बाप शहीद हो गए अल्लाह के नबीसम को मालूम था वत रा बनात लहू सब आन और सात बेटियां उन्होंने छोड़ी जाबिर की कितनी बहने थी सात बाज रिवायतों में नौ आया है बाज रिवायतों में छः है लेकिन इसमें कुछ बहने थी इनकी बहनें थी और कुछ इनकी उनकी बीवियां भी थी या ऐसा कुछ था तो कहते हैं जाबिर कहा कि अब वो घर में जो सात बहने हैं मैंने चाहा कि ऐसी कुछ पुख्ता उम्र वाली औरत को लाऊं जो उन बच्चियों को सर बाल ड़, 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 चोटी डाल सके बाल में तेल लगा सके और मैं भी उसी की तरह कोई कम उम्र लाऊं तो वो सात में एक आठ हो जाए तो देखिए उन्होंने क्या कहा, तो, उन्होंने क्या कहा? जामिया मैंने ऐसी औरत से शादी किया जो जरा पुख्ता उम्र की हो तजम और ऊस जो उनके सरों को जमा करे बालों को जमा करे कंगी डाले व तोहहीन और उनकी निगरानी कर सके देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असत तुमने क्या किया ठीक किया क्या किया ठीक किया अब देखिए आगे क्या होता है वो फिर बात आती है ऊंट की ले देकर मदीना पहुंचे और जाविर तु ऊंट से उतर गए उतरने के बाद कहा कि अब ये ऊंट आपका है तो लेकिन मदीना पहुंचने तक की शर्त रख ली मदीना तक मैं क्या करूंगा इसी ऊंट पर पहुंचूंगा वहां पहुंचकर ऊंट आपका है लेकिन कहते हैं लाकिन जमल वुत के हाथ ने ऊंट को छू लिया था वह असमर खैर वन निले और वो ऊंट जो वीक था पूरे घराने के लिए खैर बरकत का बायस बन गया जैसे कहते हैं

जाबिर रदी अल्लाह तु के लिए अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने पच्चीस मरतबा इस्तफार चाह था अल्लाह मकफ फिर जाबिर या अल्लाह जाबिर को क्या कर दे बख्श दे एक मरतबा नबी कह दें तो कितनी बड़ी बात है पच्चीस मरतबा अल्लाह के नबी नबीसलम ने उनके लिए किया था इसीलिए जाबिर रद्ला तु कहते हैं गजव तुम आ रसूल सल्लासम गजवा। मैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के साथ उन्नीस नाइनटीन ग़ज़वात में शामिल था कला जाबिर बदरन वाला उहद जाबिर तू कहते हैं कि मैं बदर और उहद में नहीं जा सका उहद में इसलिए नहीं जा सका बदर में इसलिए कि मेरे बाप ने मना कर दिया कि बहुत सारी बहनें हैं इनको संभालो मैं जाता हूँ और उहद में बाप गए और शहीद हो गए और वो कहते हैं पलम मतिल अब्दल योम उहद लम अतल्लफ़ अन रसूल सल्लम फ़ी गज़वतिन कत कहते हैं कि जब मेरे अब्बा गजब उहद में शहीद हो गए उसके बाद मैं किसी जंग में पीछे नहीं रहा मना अब्बा ने किया था जब अब्बा चले गए तो मैं किसी जंग में पीछे नहीं रहा ये देखिए

अल्लाह तैाल एक कस्से में अल्लाह के नबी वसल्लम के बुलंद अखलाक का पता चलता है और अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनके इन मसाइल को कैसे हल किया ज़रा आप गौर करें मदीना पहुँचे हैं मदीना पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा करो अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनको बुलाया जाबिरल्ला तैाल बुलाया जैसे बुलाया वो समझ गए कि अल्लाह के नबी नबीलम ऊंट क्या करेंगे अब दोबारा कैंसिल कर दें ऊंट क्या कर देंगे मेरा मुझे वापस कर देंगे डील कैंसल हो जाएगी अल्लाह के नबी नबीम ने बिलाल से कहा कि इनके पैसे इनको दे दो और साथ साथ कहा ऊंट भी तुम्हारा है क्या है ऊंट भी तुम्हारा है इससे क्या मालूम होता है अल्लाह के नबीम चाहते तो पहले ही उनको वो वो दे देते पैसे लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो एतमाद है उनका जो सेल्फ ये है सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बरकरार रखा उसको उस एहसास से कम तरीका शिकार होने नहीं दिया कि पैसे भी दे रहे हैं सामने वाले को एहसास भी नहीं है कि ऐसे दे रहे हैं तरीका समझ में आया वही बताते हैं देखिए है। आगे चलकर वो कहते हैं आ, इसी तरह ये तो था जमल वाला किस्सा ऊंट वाला किस्सा उसके बाद एक और चीज़ यहाँ इन्होंने जिक्र किया बुखारी ताम अल खंदक इसी तरह जाबिर रजी अल्लाह तआला तन ने कई मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की मेहमान नवाजी की जैसे यहाँ एक किस्सा जो खंदक खंदक की जो जंग हुई वो जंग तो नहीं हुई लेकिन मदीने के अतराफ़ साहब के राम ने गड़ा खोदा तो उसके बारे में कहते हैं

तो अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी हम लोग गड़ा खोद रहे थे एक बड़ी चट्टान रॉक ऐसी आ गई जो फूट जो फूटती नहीं तो नाजिल अल्लाह के नबी वसल्लम क्या कहा अननाजिल इन्हीं कहा अच्छा ऐसा करो एक से फूटती नहीं क्या तुम लोग दस मिल को फोड़ो ऐसा नहीं बोले क्या बोले आई विल ट्राई अल्लाह के नबी वसल्लम क्या बोले अननाजिल मैं उत्तर को देखता हूँ મેં દેખા અલ્લાહ કે نبی સલ સલમ સલ્લલ્લાહુ અલીહી વાલીહી વ સલમ انا નાસિલ તુમ કામ વ બતનુহু માસૂબુમ બિહજર અલ્લાહ કે نبی સલ સલમ ભિર ખડે ઉસ પથર કો ફોડને કે લિયે ઓર આપકી કમર ખડી નહી જા રહી થી આપકે પેટ સે પથર બнда ہوا થા પથર કે જરા ખડે કમર આપકે પેટ મે ખાના નહી થા इतने भूखे थे ऐसे निढाल हो गए थे लेकिन पेट से पत्थर बंधे हुए थे जिसे शोरा कहते हैं और यहां ये यह बात है तीन दिन लगातार हम गड़ा खोदते रहे कुछ चखने को हमारे पास नहीं था खाना हमारे पास नहीं था नबी अल्लाह के नबी वसल्लम ने अवल मैवल बोलते हैं फौड़ा उसको लिया पदरब फाद कसीबन अहील तो अल्लाह के नबी ससलम ने उसे मारा तो बिल्कुल रेजा रेजा हो गया हाँ इन्हीं के देर अल्लाह के नबी ससलम की हालत है फकुल तो या रसूल अल्लाह इदिन बैत जाबिर बिन आब्दल्ला रदी अल्लाह तु ने यह हालत देखी अल्लाह के नबी वसल्लम की अल्लाह के नबी वसल्लम से कहा कि अल्लाह के, के नबी वसल्लम आप मुझे इजाज़त दें कि मैं क्या करूं घर तक जाऊं घर तक जाऊं अल्लाह के नबी वसल्लम की उस हालत को जाबिर बिन आबल्ला रबी अल्लाह ने देखा था कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने वो चटान तोड़ा था और हालत ये थी पेट पर पत्थर बंधा हुआ है कहा कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं थोड़ा कहाँ जाऊँ घर जाऊँ बकुल तुली इमराती अच्छा आदमी जब भी कोई अच्छी बात देखता है पहले किससे शेयर करता है बीवी से शेयर करता बीवी उस उसकाबिल होना पहले हाँ बीवी उस उसकाबिल होना तो जाविर बिन आब्दल्ला रजी अल्लाह तन ने अल्लाह के नबी नबीसलम की जो हालत देखी सीधे अपने घर आए घर आकर अपनी बीवी से कहा अपनी बीवी से क्या कहा बिन नबी सल आसलम सईम मी कस्सा मैंने अल्लाह के नबी वसल्लम को ऐसा देखा कि मुझसे अब सब्र नहीं हो पा रहा है अल्लाह के नबी के पेट पर मैंने पत्थर देखे साहबी तो सहाबित थे आज हम सुनकर बर्दाश्त नहीं करते उन्होंने देखकर कैसा बर्दाश्त करेंगे तो क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं द आइंद बीवी से क्या पूछे वो यू हैव समथिंग हाँ कुछ आपके पास है द आइंद क्या तुम्हारे पास है तो कालत बीवी भी बीवी थी रजी अल्लाह इंदी वाइनाक मेरे पास थोड़ा जौ है और एक छोटा बकरी का बच्चा है बकरी का बच्चा है फ़जबाहइनाक वतान तो शार ये जो औरत है जाबेल तु की बीवी इनके ताल्लुक से भी आप सुनेंगे आखिर में हाँ बहुत अजीब माशा बाकी वो क्या खातून जन्नत थी उनके उनकी देखिए वो कहती हैं फजबाहइनाक वताहन तो शार मैंने फ़ौर व बकरी का बच्चा जबाह किया और मैंने वो जौ पीस लिए चक्की में حتى جعلنا اللحم في البرمه همني گوش هنديمي में ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمه بين الاكافي قد كادت ان تنضج اور ایسا تھا آٹا بھی تیار ہو چکا تھا میں طعيم لي فقم فقم انت يا رسول الله ورجل او तो जाबे रजी अल्लाह तारू आए और आकर का अल्लाह के नबी नबीम हमारे पास खाने का तनाउले मज़र चलते हैं लेकिन आपके साथ एक आधा एक दो आदमी क्या हो जाएंगे चलेंगे आपके साथ अल्लाह के नबी से पूछा क्या है तुम्हारे पास क्या क्या है उन्होंने बोला होगा कि कितना जो है कितना गोश्त है लेकिन अल्लाह के नबी नबीसम हमेशा पॉजिटिव मुसबत अंदाज में बोलते थे कहा फ़ा कर तोला कसीर अरे तो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास तई तुम्हारे पास क्या है तई बहुत ज़्यादा है कला ला तंज अलबर बुरमा वल खुब्स मिनत नूर हत आती अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक शर्त लगा दी कहा कि देखो बेगम साहबा से तुम्हारे कहना कि हांडी चूल्हे पर से न उतारें जब तक मैं ना आ जाऊं जब तक मैं ना आ जाऊं हांडी चूल्हे पर से ना उतारे कानू अल मुहाजिर डेढ़ हजार आदमी लगभग थे वो बोला चलो पूरे अनुसार और फलम दखला मरा आती ही अब पहले कौन जाना पहले इतना जाना घर में जैसे ही गए मोहतरमा पकड़ को वैसा खींचेउ उनकी बीवी वह हक बोले क्या करे जी तुम्हें क्या बोले मनो <laughs> पहले क्या बोले थे देखो ऐसा करो अल्लाह के नबी सल्लम को जाकर क्या बोलो आहिस्ता बोलो वह हक जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुहाजिरीन वल अंसार मा قالت هل سألك هل هل سألك तो उन्होंने कहा कि कह अल्लाह के रसूल आए हैं महाजिर है उनसा तो उन्होंने पूछा उनकी बीवी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा था क्या है हाँ पूछे थे मैं बता दिया पूरा क्या है कितना है क्या है बता दिया पक खोलो अल्लाह के नबी फरमाया क्या रोटी लेते उस पर गोश्त डालते रोटी लेते गोश्त डालते और हांडी है कि पक रही है तो मैन मैं फलम को हत्या शबकी और साहबा खाते रहे खाते रहे हांडी क्या होती रही वैसी बची रही अल्लाह के नबी नबीम ने क्या कहा आखिर में कुली हादा जाबिर रजी अल्लाह तू की बीवी से कहा कि इसे खाओ और हदिया दूसरों को हदिया भी दो इतना तो बच गया व इनन ना सआसाबतुहुम मजा अल्लाह के नबी से फरमाया कि अभी महल्ले में बहुत भूखे हैं इनको तुम क्या करो हदिया भी भेजो लोगों को क़हत्साली लगी है हादल हदीस हादीस क़दराहहू इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह तआला फी किताब अल मगाजी यह हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रिवायत की तो ये बात तो समझ में आती है इन राय तो रसूल ये तो ये तो रिवायत और है जो हमने सुना है ये तो पूरी रिवायत आपके समझ में आ गई है तो इसे दोबारा अलग अलग रिवायत के हिसाब से इन्होंने अलग अलग दोहराया है ये तो थी बात पहले तीन वाक़ात हमने सुने एक अल्लाह के वसल्लम ने ऊँट ख़रीदा किससे जाबिर रजील्ला तु से दो काम अल्लाह के नबी ससरम ने की एक तो जाबिर की मदद की लेकिन ऐसे मदद की कि जाबिर रदी अल्लाह तु को एहसास होने नहीं दिया ऊँट भी दे दिया पैसे भी दे दिए यहाँ देखिए और हम इससे पहले सुन चुके हैं कि जाबिर बिन आब्दल्ला रजी अल्ला के अब्बा अब्दुल्ला बिन हराम हरामसारी रजियल्ला शहीद हो चुके थे और जब शहीद हुए तो उन्होंने तकरीबन सात या नौ या छः उनकी बेटियाँ उन्होंने छोड़ी छोड़ी थी छोड़ी थी वा का सित्ता बना इस हदीस में है कितने छः छटियां बतौरा का आलै ही दा और कर्ज भी छोड़ा था तो इस हदीस से उलमा ने इस्तेदलाल किया कि बाप का कर्जा कौन अदा करेगा बेटा इसलिए कि बाप की जायदाद की विरासत किसे मिलती है बेटे को मिलती है लेकिन जो कर्जा था चालीस वसक, मतलब अगर जाबे तार का बगीचा तीन साल अगर फल देता तो वो खरस फिटता तीन साल एक साल की पैदावार में वो खरस क्या नहीं होता नहीं फिरता ये देखिए पलम जिदादुल नखली अतय तो रसूल अब फल तोड़ने का टाइम आया अब फल तोड़ने का टाइम आया तो क्या होगा समझिए एक आदमी है वो वो आदमी के ऊपर एक दस हजार कर्जा है वो आदमी सैलरी लेता एक तारीख आते ही कर्जदारा क्या करते उसे पकड़ लेते भाई ने सैलरी लेता पहले क्या करो हमारा कर्जा अब जब फल तोड़ने का वक्त आया तो जाबिर बिन आप रजी अल्लाह तुम क्या करे अच्छा मैं फल अगर तोड़ूंगा तो सारे कर्जदार आ जाएंगे तो पहले ऐसा करता हूं मैं सीधे अल्लाह के नबी के पास जाता हूं तो जब फल तोड़ने का वक्त आया तो वो अल्लाह के नबी वसल्लम को तो बुला भेजे आप रहें जरा उनको क्या होगा हिम्मत आएगी अल्लाह के नबी वसल्लम तो खैर और रहमत बनकर आएंगे तो कहते हैं फल तोड़ने का जब वक्त आया तो मैं अल्लाह के वसल्लम के पास गया जाकर कहा खद आलिम तीदी उसद यम अहद अल्लाह के नबी आपको पता है कि मेरे अब्बा उहद के दिन शहीद हो गए हैं व तरक का आलई ही मेरे अब्बा ने बड़ा कर्ज छोड़ा है व इन्नी उहिब अंारा कल गा मैं चाहता हूँ कि मेरे कर्जदार आपको देखें आप अगर मेरे घर आ जाएं मेरे फल तोड़ते वक्त आपको देखेंगे तो मेरा लिहाज करेंगे बीस लेने की जगह दस लेकर राज़ी हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अक्सर जो कर्ज देने वाले थे वो यहूदी थे यहूदी थे जैसे आजकल के मारवाड़ी हैं ये कभी सूद माफ करता है नहीं तो ये तो पूरा ये लगा कि चूसता है।, तो है आ? तो कहते हैं वी वी उब कल गुरमा कल इधब पैब दिरकुल्ल तमरिन अला नाहिय थी पफ अल तू तुम दाऊ तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने अलग अलग ये किया है बाज़ रिवातों में आता है कि अल्लाह के नबी वसल्लम आए तो बाग के हर चारों तरफ अल्लाह के नबी वसल्लम ने दुआ किया बाज़ ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ बीज दिए जाकर कहा कि बाग के कोने कोने में डाल दो अच्छा फल अल आजम बन مرات उसके बाद वो कहते हैं अल्लाह के नबी नबीलम बाग में पहुँचे बाद रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी नबीसलम ने कहा कि चलो ऐसा करो तुम चले जाओ मैं दोपहर के वक्त आता हूँ अल्लाह के नबी नबीसम आने से पहले जाबिर अब्दुल्ला रजी अल्लाह तन अपनी बीवी के पास गए वही बीवी जाकर बोले देखो अल्लाह के नबीसलम हमारे घर आने वाले ही तुम्हें सामने नहीं आना किसे बोले तुम्हें सामने नहीं आओ अल्लाह के रसूल को तकलीफ नहीं दो अपनी बीवी को बोलते हैं ठीक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो तो कहते हैं अह जैसे इस हदीस में बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए सारा घुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला के जो कर्जदार थे उनसे कहा ऐसा करो तुम्हारे करसदारों से कहो कि वो अपने थैले लेकर आए जवाली बड़े बड़े थैले लेके आए और सारा करस फिड़ गया इतने खजूर अल्लाह की बरकत से निकले कि सारा खजूर फिड़ गया और इनके साथ अबू बकर और उमर दोनों भी थे थोड़ी देर आराम किए उनके लिए भी जियाफत का इंतजाम हुआ अब जब जाने लगे तब उनकी बीवी सामने आई आकर बोली या रसुल्ला सली अला व अला जाबिर या रसूल अल्लाह ऐसा कीजिए मेरे लिए और जाबिर के लिए मकफिरत की दुआ कीजिए हाँ? तो इससे पहले जाबिर क्या बोलते हैं लैलतल जमल वो जो ऊंट वाला वाकया है कितनी मरतबा अल्लाह के नबी स लिए क्या था मुस्तफार पच्चीस मरतबा अब इस मरतबा बीवी क्यों पीछे रहने वाली थी अल्लाह के नबी घर आए हैं शोहर ने कहा था कि नहीं आना लेकिन फिर भी, भी क्या करें उन्हों? मौका कौन छोड़ेगा अल्लाह के नबी की दुआ लेने से तो वो अल्लाह के नबी की दुआ लेती हैं अल्लाह के नबी मेरे लिए मेरे शोहर के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पर रहम फरमाए असलात असलाद का जलफ जब अल्लाह के साथ बोला जाता है तो उसके मान अलग होते हैं और बंदों के साथ जब वरिश्तों वर के साथ बोला जाता है तो उसके अल्फाज मरा सलूनबी आमन। तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या कहा या अल्लाह जाबिर उनकी बीवी पर क्या कर अब यह सवाल है कि सलात का यह लफ्स नबियों के साथ खास है यह किसी और के साथ भी बोला जाता है हा? तो इससे क्या मालूम होता है अल्लाह के नबी ने किसके लिए बोला है जाबिर रजी अल्लाह तारह के लिए बोला इसी तरह अल्लाह के नबी वसल्लम की एक और बात है कि जब अबू आफ़ा जक़ात या सदक़े का माल लेकर आए तो अल्लाह के नबी नबीम उनके लिए भी दुआ किया अल्लाह अबी औफ़ा या इन पर रहम फरमा तो इसीलिए बाजूलम कहते हैं कि बोला जा सकता है इमने अब्बास रदी अल्लाह तहा कि नहीं बोला जा सकता सिर्फ अम्बिया के लिए है और बाकी जितने भी लोग हैं उनको रही रह हम लोग बोलते हैं सहाब कराम के लिए रजवानल आलि रविम व ऱवान साहब कराम के लिए ऐसा इस्तेमाल होता है तो ये जाबिर बिन आब्दाला रभी अल्ला की बात थी जो इसमें समझ में आता है लेकिन जो मसाइल हैं उसमें से मालूम होता है अलामतुमिन आलामाती नबूवती अल्लाह के नबी नबीरम ने जो बरकत की दुआ की इसमें अल्लाह के नबी नबीम की नबूत की समझ में आती है अला अलहसू अम ये भी समझ में आता है कि मैत की तरफ से कर्ज चुकाना चाहिए बेटे ने चुकाया है और बाप कौन है अब्दुल्ला बिन हराम अब्दुल्ला बिन हरामसारी रजी अल्लाहन जो जंगे उहद में शहीद हुए और 40 साल के बाद रजी अल्लाह तु का जब जमाना आया वहाँ खुदाई हुई तो उनकी लाश बिल्कुल सही सालम निकली साहब कराम ने देखा और जावे बिन अब्दुल्ला आब्दी तु के बाप वो हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे बाप से बिलमुशाफहा बात किया है कफा ओके एक और चीज़ ये समझ में आती है फ़ी रक़बति अबनाइहिम बच्चों का मा, मा बाप का जो कर्ज है वो बच्चों के जिम्मे है बच्चियों की जिम्मे नहीं है अब अगर कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता अच्छा उन्होंने भी लिए ना प्रॉपर्टी उन्होंने भी दे नहीं बोल सकता बेटों के जिम्मे है युवा दो वो कर्ज अदा करेंगे अलबत्त आगे बढ़कर वो खिदमत करते हैं तो वो बात अलग है हा? और कुछ बातें हमारे साथ हैं इन फिर कभी सुनते हैं लेकिन इतनी बातें काफ़ी हैं बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई हैं अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत को लेकर जो लोग पहले से थे वो लोग सुन चुके हैं जो बाद में आए वो बाद में वो उसमें भी सुन ले सकते हैं इन दिलचस्पी रही हैं سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته